बिहार में मधुबनी अंधराधारी हाजी मौलाना रहमतुल्ला काशमी का निधन हो गया, जिसमें सोमवार को अपने पैतृक गांव जमेला में उन्होंने अंतिम सांसें ली। ग्रामीणों के अनुसार हाजी रहमतुल्ला गांव के मदरसा हनफिया आरवी कॉलेज के प्रिंसिपल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद गांव के मस्जिद और ईदगाह के इमाम हो गए थे। तो वहीं मधुबनी से आए काजी हबीबुल्ला ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई, सैकड़ों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। मौलाना इमरान, मौलाना सुल्तान हाजी मौलाना अमानुल्लाह काशमी, प्रखंड राजद अध्यक्ष मोहम्मद कमरुजम्मा, मौलाना शहाबुद्दीन, मोहम्मद शीस अहमद आज जनाजे में शामिल होने वालों में मुक्ति। विवरण न्यूज के लिए आलम अंसारी की रिपोर्ट, मधुबनी बिहार। मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सदस्य मनोज झा। इस दौरान मौके पर राजद नेता मुन्ना सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन और सड़कों पर इतने दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, एनआरसी सीए के खिलाफ जो बातें चल रही हैं और अलग अलग जगहों पर लोग 24 घंटे बैठे हुए, तो वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिना किसी की प्रभाव किए हुए एक लालू जी के संदेश के अनुरूप की भी मनोभावना थी, जिन लोगों को यह एहसास हो गया कि किस प्रकार से यह माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार गरीब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हों, वो कागज की खोज में उलझ कर रह जाएं। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि बीते 5 दशक में इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हुकूमत 1 इंच पीछे हटने की बात कहती है, हम उसे बार बार कहेंगे कि एक बार अपना इतिहास पलट कर देखे कि 5 गांव की वजह से महाभारत हो गई थी। साथ ही पत्रकारों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गांधीवाद वाली महाभारत होगी। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों का मकसद एक है, हम ऐसी राज्य की कल्पना करते हैं कि राज्य में इंसान कागज के टुकड़े खोजने में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से मरहूम ना हो जाए। टीवी वारंटी न्यूज के लिए रुपेश कुमार के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार के सुपौल जिला स्थित सदर बाजार के बसपट्टी रोड स्थित वार्ड नंबर 18 के शाहीन बाग की तर्ज पर धरना स्थल पर गैर एनडीए दलों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें इमारत सरिया के सचिव अबुल कासिम रहमानी सहित विभिन्न धर्म निरपेक्ष दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस बैठक शामिल हुए। इस दौरान देश के वर्तमान हालात पर भी चर्चा हुई और एनआरसी सीए और एनपीआर के विरोध में सभी ने मिलकर आवाज उठाने की अपील की। इसके साथ ही कहा गया कि इमारत सरिया ने लोगों से अपील किया है कि किसी भी हाल में वे इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। साथ ही इमारत सरिया के काजी सैयद अबुल कासमी रहमानी ने सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे लोग भी बढ़ चढ़कर सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में उनका साथ दें, ताकि इस काले कानून को लागू करने से रोका जा सके। टीवी वारंटी न्यूज के लिए मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सुपौल बिहार। बिहार के सुपौल जिला में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूर्व तालाबंदी की पूर्व संध्या पर गांधी मैदान सुपौल से महावीर चौक स्टेशन होते हुए लोहिया चौक तक मशाल जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नगर भ्रमण किया गया। साथ ही जिला सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में आयोजित मशाल जुलूस कार्यक्रम का समापन लोहिया नगर चौक पर किया गया, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे जिले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक दिनांक 25 फरवरी 2020 से अनिश्चित हड़ताल पर रहते हुए पूर्ण तालाबंदी करेंगे तथा मूल्यांकन में सहयोग करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भी मौजूद रहे, जिनमें सैकड़ों शिक्षक भी मौजूद रहे। शीतकालीन हड़ताल समान काम समान वेतन हेतु प्रायोजित है। हम सभी शिक्षक सुपौल जिला माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से बीएसटीए के द्वारा जारी फरमान के आधार पर हमने एकजुटता दिखाकर अपनी मांगों के समर्थन में आज मशाल जुलूस निकालकर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एकजुट होकर के हम अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सड़क पर आपके समक्ष सभी कामों में असहयोग करेंगे। सरकार का जो फरमान दिया हुआ विद्यालय में असहयोग करते हुए हम सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के सभी मांगों का विरोध करते हैं, जब तक कि हमारा मांग हमारी पूरी मांगे सरकार के द्वारा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जय बिहार, जय शिक्षक संघ, जय माध्यमिक शिक्षक संघ, इनकलाब जिंदा। लंबे अरसे से बिहार के अंतर्गत जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी एक ही मांग है कि हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और हमको राजकर्मी की भांति समान सुविधा देते हुए समान काम का समान वेतन, जो हमारी काफी पुरानी मांग है, चिरपरिचित मांग है, उसी मांग को लेकर के कल से जो हम लोगों का 25 तारीख से हड़ताल है, पूर्णतः तालाबंदी है, उसी की पूर्ण
अपना आहुति के लिए आज पूर्व संध्या में हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से तमाम शिक्षकों को आह्वान कर रहे हैं कि पुरजोश तरीके से आप सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, मूल्यांकन में असहयोग कीजिए और अपने समान काम का समान वेतन की मांग के लिए सरकार के समक्ष एकजुटता का परिचय दीजिए। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हम लोगों की मांग की पूर्ति नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। यह शिक्षकों की स्वतः स्फूर्त अपना आंदोलन है, शिक्षकों के बीच का आंदोलन जो पूरे बिहार में हो रहा है। की तरफ से हमारी मांगे हैं कि समान काम समान वेतन हमें मिलनी चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कोई भी काम विद्यालय में नहीं करेंगे। पूर्ण तालाबंदी मैंने कर दिया है, कल से हमारी हड़ताल होगी और हम कल से हड़ताल पर बैठेंगे। पूरे जिले में कोई भी उत्क्रमित विद्यालय हो, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, सारे शिक्षक पूर्ण तालाबंदी करके हम जिला में हड़ताल पर बैठ रहे हैं और हम लोग मूल्यांकन का पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम दीपक कुमार है, मैं सचिव हूँ यहाँ का जिला सुपौल का। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सुपौल बिहार। बिहार के सुपौल जिला में कांग्रेसी नेता लक्ष्मण झा के मनोनय पत्र मिलने से लोगों व कार्यकर्ता सहित समर्थकों में काफी हर्षोल्लास देखा गया और लोगों ने लक्ष्मण झा को बिहार किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनने पर जगह जगह उनके समर्थन में मिठाई बांटी और प्रदेश सचिव लक्ष्मण झा का भव्य स्वागत किया गया। जहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव लक्ष्मण झा ने कहा कि मुझे नेक कर्तव्य, ईमानदारी और गरीबों के बीच लड़ाई लड़ते हुए को देखकर मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया है। और लक्ष्मण झा ने कहा कि राष्ट्रीय कमेटी के आदेशानुसार मुझे प्रदेश किसान कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और कहा कि मेरा एक ही उद्देश्य है, जन समस्याओं को लेकर लड़ना। किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसान की समस्या हो, मजदूरों की हो, युवाओं की हो या छात्रों की, नौजवानों की, हर एक प्रकार की जन समस्याओं से लड़ता रहूंगा और आगे तक की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, बिहार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक लड़कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उसकी हक और अधिकार दिलाना, मेरा यही उद्देश्य है। कमेटी के दिशानुसार मुझे प्रदेश किसान कांग्रेस के द्वारा बिहार प्रदेश का जो है मुझे महामंत्री बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमेशा से जन समस्याओं को लेकर के लड़ना, चाहे किसी प्रकार की जन समस्या हो, चाहे किसानों की हो, मजदूरों का हो, युवाओं का हो, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, हर एक प्रकार की जन समस्याओं को लेकर के हमारी लड़ाई हमेशा से चलते आया है, आगे भी चलता रहेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, बिहार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक लड़के राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उसकी हक और अधिकार दिलाना, मेरा यही उद्देश्य। लक्ष्मण कुमार झा, कांग्रेस किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सुपौल बिहार। बिहार के रामगढ़वा में दिनांक 25 फरवरी 2020 को मंगलवार को रामगढ़वा सिसवानिया स्थित गांव से लेकर रामगढ़वा गांव और रामगढ़वा बाजार होते हुए नौकटवा टिलावे नदी में जल भरा गया। इस कनककाटी ठंड और बारिश में भी हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याओं ने भी भाग लेकर कलश यात्रा को सफल बनाया। आपको बता दें कि यह महायज्ञ आज से शुरू हो रहा है। यहां बाहर से आए भक्तों के लिए रहना, खाना व पीना की पूर्ण व्यवस्था किया गया और साथ में रामलीला और प्रवचन के लिए बाबा को भी बाहर से आमंत्रित किया गया। किसी भक्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत
ना हो इसके लिए संगठन की टीम भी रखी गई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट, रामगढ़ व बिहार। बिहार के मोतिहारी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। मोतिहारी में तेज बारिश के साथ जमकर ओले भी पड़े। सुबह सवेरे हुई ओलावृष्टि के बाद हर जगह बर्फ की चादर देखने को मिली। वहीं जिले के फेनहारा और पकड़ीदयार में सबसे ज्यादा ओले पड़े। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह तेज गरज के साथ हुई बारिश और फिर ओले पड़ने के बाद मोतिहारी के लोग यहाँ शिमला का मजा ले रहे हैं। हालांकि ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा, तो वहीं रबी तिलहन और दलहन की फसल को ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते मौसम विभाग में सोमवार को यह अलर्ट जारी किया गया था कि बिहार में कई जिलों में ओले पड़ सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट, मोतिहारी बिहार। बिहार के विद्यापति नगर वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वाधान में वैदिक धर्म सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड अंतर्गत मऊ बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन संत रघुवर दास जी महाराज ने किया। तो वहीं अपने उद्घाटनीय उद्वार व्यक्त करते हुए संत रघुवर दास जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल वेद, इसके प्रचार प्रसार से ही हमारी संस्कृति को अछूते रखा जा सकता है। आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए मंदिर के महंत सह कार्यक्रम संयोजक विश्वक सर रामानुज वैष्णव दास और पंडित विनोद झा ने कहा कि वैदिक धर्म शाश्वत है, जीवन में सद्गुरु से ही सदुक्ति मिलती है। राष्ट्रीय प्रभारी संजय शुक्ला ने कहा कि वैदिक शिक्षा से ही संस्कृति व वेद की रक्षा की जा सकती है। तो वहीं अयोध्या से आए संत कमल नयन दास महात्यागी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समाज आज बट रहा है, इसे एकजुट होने की संभावना है, तभी वैदिक धर्म का अस्तित्व बच सकता है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने कहा कि वैदिक धर्म संसार को जोड़ने की कड़ी है, आज के दौर में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। सम्मेलन के दौरान सभी आगत अतिथियों का सम्मान किया गया। मौके पर विद्यापति परिषद अध्यक्ष गणेश गिरी, कवि आदि मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रंजन शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार। बिहार के हाजीपुर में ब्रह्मलीन बाबा पशुपतिनाथ जी महाराज की पावन धर्म नगरी चांदी धनुषी में आयोजित श्री हस्त चंडी महायज्ञ के दरमियान आयोजित श्रीमद भागवत कथा के दौरान प्रवचन देती हुए विश्व विख्यात श्रीमद भागवत कथा मर्मज्ञ सांध्वी दीदी माँ ऋतिभरा जी ने कहा कि राम नाम की ज्योति के बिना जीवन अधूरा है। जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। आज के परिवेश में सब सुखी होना चाहते हैं, सारस्वत सुख पाना चाहते हैं, हर मनुष्य की लालसा रहती है। स्थिति यह है कि एक जगह से सुख नहीं मिलने पर इंसान का मन दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। तो वही भगवान कथा के तीसरे दिन मंगलवार को भगवान सुखदेव व राजा परीक्षित संवाद पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दीदी माँ ऋतंभरा जी कहती हैं कि भवना सागर विचित्र या मन ही है। मन इतना बड़ा सागर कि अपने आप को भय से पार जाना ही भवसागर है। राजा परीक्षित के चिख में मृत्यु का भय है। भगवान सुखदेव के चरणों में बैठ राजा परीक्षित इस भय को रखते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि पाओगे तो खोने का डर स्वाभाविक है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से समय का पंछी उड़ ना जाए, राम नाम की ज्योति बिना अधूरा, श्रद्धा से राम नाम का गालो आदि की प्रस्तुतियों से उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक भाव का बोध कराया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रंजन शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार।